यार मैं जो सबसे बड़ा इवेंट अभी आज आपको पता चलेगा वो ना होने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं कि इन्फ्लेशन जिस प्रकार से यूएस में बढ़ा है, इंडिया में बढ़ा है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट्स में हमको देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात एफआईएस की बिकवाली से रुपया मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली हेडविंड्स रहेंगे। हो सकता है कि मार्केट्स इधर लेवल आपको देखने को मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए ऐसा सिनेरियो जैसे मार्च 20 में हुआ था, मार्च को यू नो जब कोविड हुआ था, वैसे कोई पैनिक सेल ऑफ होगा ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ डेफिनेटली अगर मार्केट्स यू नो एटलीस्ट इन द नियर टर्म होल्ड करने की कोशिश करेगा और उसके बाद वी हैव टू टेक अ फ्रेश रिव्यू। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं यही कहूंगा कि जो निवेशक इन्वेस्टी कंपनीज है उनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। पैनिक में अच्छी कंपनीज को मत बेचिए। मार्केट्स में ऐसे वोलेटाइल गैप डाउन आते हैं, लेकिन उसी तेजी से यू नो जब मार्केट सुधरता है तो बाउंस बैक भी उतना ही तेजी से आता है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन डेफिनेटली कीप इन्वेस्टेड और पैनिक सेल ऑफ मत करिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी इंडियन इकोनॉमी के काफी अच्छे हैं, कॉर्पोरेट नंबर्स अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं रिकवरी आएगी, लेकिन थोड़े समय के बाद आएगी। मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टॉक खरीदा है। मेरे ख्याल से इनके इनका जो सेक्टर है यू नो स्टील पाइप्स में ये बेहतरीन प्लेयर है। इनफैक्ट पिछले 5 साल में कंपनी ने यू नो अप्रोच से काफी अच्छी तरह से देखिए इनके बाइंग अगर यू नो कम से कम 1-1.5 साल ये पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो हाल ही में कंपनी ने एक्सपांशन अनाउंस किया है और ये वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इस डाउट नहीं कि अगर कम भी होती है तो इनके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। बेसिकली स्टील बनाते नहीं लेकिन स्टील कंज्यूम करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको काफी फायदा होगा। तो आई वुड सजेस्ट दैट होल्ड ऑन करिए, 1.5 साल 1.5 साल में बन सकता है। मेरे ख्याल से रिटेल निवेशकों को काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है। पहले तो लिस्टिंग की प्राइस काफी खराब ओपन हुई, उसके बाद डिविडेंड को लेके भी काफी डिसअपॉइंटमेंट का डिविडेंड दिया था। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी दिक्कत LIC की है वो ये है कि यू नो लैक ऑफ क्लैरिटी है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक कॉल कंपनी के मैनेजमेंट ने किया नहीं है कि इनकी नई एम्बेडेड वैल्यू कितनी है। इंश्योरेंस बिजनेस में लगातार न्यूज फ्लो आना बहुत जरूरी है। अगर कंपेरेबल कॉम्पिटिटर्स को हम देखें तो इनका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो काफी स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। मैं समझता हूँ कि इसको आप न्यू इंटरनेट वाली कंपनी से कंपेयर मत करिए जो काफी हद तक कैश बर्न कर रही है, ये हर पॉलिसी पे पैसा। लेकिन अगर रिटर्न की बात करें तो मैं ये निवेशक को कहूंगा एंकर इन्वेस्टर्स का सेलिंग भी अभी देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिले, लेकिन शेयर ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है तो डाउनसाइड लिमिटेड है। लेकिन अगर 1.5 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली इनको जो कॉस्ट प्राइस है प्लस उसके ऊपर थोड़ा सा मुनाफा ये जरूर कमा सकते हैं, तो पैनिक में मत बेचिए, इसमें डेफिनेटली वैल्यू लॉन्ग टर्म में बनेगी। एक जोमेटो जैसे शेयर में ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं तो मेरा तो मान बार बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए जोमेटो एक ऐसी बिजनेस में है जहाँ पे अभी भी हमको कैश फ्लो नेगेटिव दिखता है। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए लगता नहीं है कि कंपनी कुछ प्रॉफिट्स कमाएगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को एक फंडामेंटल व्यू देना डिफिकल्ट बात है, क्योंकि जब कोई कंपनी अर्निंग्स कमाती नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमाती नहीं, तो नॉर्मली एनालिस्ट सिर्फ रेवेन्यू देखते हैं, जो डेफिनेटली एक रॉन्ग मेथड है, मतलब होता नहीं अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं होता। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट ऐसी कंपनीज जब कैश फ्लो नहीं जनरेट करती मार्केट्स में और थोड़े वीक कैंडिडेट्स बन जाते हैं। Depending on how the market settles down, उसके बाद वो you know, अगर चाहे तो you know, कोई new age companies में निवेश कर सकते हैं। Generation बहुत ही कम है। 5G का auction जो आने वाला है वहां पे करीबन 50,000 करोड़ का investment हर company को लगेगा। कोई भी strategic partner या कोई तो ये ज्यादातर ज्यादा लंबे समय के लिए ये operations खींच पाएगी नहीं, ये बहुत difficult है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे इनका स्टेक बढ़ाया है, लेकिन ये सिर्फ एक यू नो थोड़ा सा सपोर्ट है। अगर अपसाइड की बात करें तो मुझे लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छे विकल्प अवेलेबल है, जैसे कि भारतीय एयरटेल है, ऊपरी लेवल से काफी टूट चुका है, इसी मायने में अच्छी कंपनी निवेश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी है, यहाँ पे बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, अच्छे रिटर्न मिले। नहीं पूजा, आई थिंक ये न्यूज काफी पॉजिटिव है। कॉस्ट टू इनकम अगर 50 बेसिस पॉइंट होता है तो डेफिनेटली इसमें अपने की प्रॉफिट्स में
इनफैक्ट हम समझ काफी वेल पोजिशनड है इस मार्केट में कि बड़ी बात जो Q4 में कमेंट्री आई थी वो काफी स्ट्रांग थी, हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी पेश करना है तो अच्छा मौका मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे कम से कम 12 से 15 का व्यू किसी इन्वेस्टर को अगर लेना है तो ही रिटर्न यू नो काफी अच्छे मिलेंगे, बट डेफिनेटली ये न्यूज फ्लो आपको FY23 के बाद प्ले आउट होंगे तो की राय रहेगी, क्योंकि देखिए फंडामेंटली अभी भी कंपनी एक वीक वीक यहाँ पे कंपनी के काफी बड़े लॉसेस कंपनी ने इनकर किए हैं, कैश फ्लोज भी प्रॉब्लम में है और मुझे लग रहा है कि देखिए येगा नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए बिजनेस काफी वीक विकेट पे, और अगर हम दूसरे कॉम्पिटिटर्स को देख करेंगे खराब टाइम में भी तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो स्ट्रेटेजी यूज करके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आने की उम्मीद नहीं है क्योंकि नंबर्स काफी वीक है। तो काफी उन्होंने ये जताया कॉन्फिडेंस कि बैंक पूरी तरह से सेफ है, लेकिन मार्केट्स को सिर्फ एक ही सवाल है कि RBI ने यहाँ पे यू नो एक तो इनका नियुक्त करके इनको यहाँ पे पोजीशन करने का मेन रीजन क्या है, तो मार्केट्स में अभी भी थोड़ी बहुत बुक को लेके, और ये मुझे लग रहा है कि शायद 3 से 6 महीना लगेगा मार्केट में सब करने में और समझने में कि बैलेंस शीट अभी भी सेफ है, अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में अगर कोई एसेट क्वालिटी के इश्यूज आते हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से यही कारण है कि मार्केट्स ने काफी खराब तरीके से इस शेयर को आज पिटवाया। ऑफकोर्स आज तो मार्केट भी खराब है, लेकिन मार्केट्स तभी इसमें कॉन्फिडेंस जताएगी जब कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस सामने आएंगे और नंबर्स विल स्पीक फॉर देमसेल्फ। कि डेफिनेटली ये अपॉइंटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन सर्विसेज है मुझे लग रहा है कि इन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन अगर इनका गिरा है, लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी के जो कस्टमर्स है वहां पे काफी अच्छी, और सबसे बड़ी बात ये तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो निवेशक है इनको पैनिक ना करके अगर 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके ये होल्ड कर सकते हैं, सर टाइम फ्रेम रखिए, पेशेंस रखिए, और इसमें कोई डाउट नहीं कि पैनिक में इस शेयर तो अच्छी